पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि अगले कुछ दिनों के लिए इससे राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में ठंड का कहर जारी रहने की संभावना है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो ये अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उत्तर भारत में जहां एक तरफ ठंड का कहर जारी है, पहाड़ों पर बर्फबारी, तो मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में बढ़ती ठंड के साथ अब घना कोहरा भी छाने लगा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो चुकी है और सड़कों पर वाहन रेंगने को मजबूर है। दिल्ली में 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर चुका है, तो हरियाणा में 16 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो ऐसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहतक से संचय और देहरादून से नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी और बारिश का दौर जारी, और ऐसे में जो अब उत्तरी भारत है वो ठंड से कपकपाने लगा है। दिल्ली की बात की जाए तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? देखिए, मैदानी इलाकों की बात करें तो शीतलहर चलती हुई नजर आ रही है, कड़कड़ाती ठंड जो है दिल्ली में पड़ती हुई नजर आ रही है। तापमान गिरकर 14 डिग्री के आसपास जो है पहुंच गया है। अगले दो दिनों की बात करें, मौसम विभाग ने कहा है कि सर्व कोल्ड कंडीशन जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, दोपहर के 3 बज रहे हैं, लेकिन सुबह से ही बात करें तो बिल्कुल भी जो सूरज कहा जाता है उसके दर्शन नहीं होते हुए जो है नजर आ रहे हैं। फॉग जो है वापस दिल्ली में जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो पूरी तरीके से कवर होकर निकल रहे हैं, मफलर की बात करें या फिर जो कैप होती है वो जो है लेकर जो है चलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। अलाव का सहारा जो है लोग यहाँ पर जो है ठंड से बचने के लिए जो है लेते हुए जो है नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों के मौसम की भी बात करें तो लगभग लगातार जो दो दिन है वो ठंड जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी, और उसके बाद हम बात करते हैं तो 8 से 10 तारीख के बीच में हो सकता है कि जो हल्की बूंदाबांदी है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। जो ये भारत की बात करते हैं या फिर उत्तर भारत की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार की जो कंडीशन है वो आज जो है फिलहाल दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जहां ठंड कड़ाके की पड़ रही है तो दूसरी तरफ जो फॉग है या फिर कहें कि जो कोहरा है वो भी जबरदस्त जो है सुबह के टाइम, रात के टाइम देखने को मिलता हुआ नजर आता है, जिसके कारण वाहनों की रफ्तार कम होती हुई नजर आती है और लोगों को जो है ठंड के साथ साथ कोहरे से भी जो है दो चार होना पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल संशय, आपसे भी जानना चाहेंगे, लोग एक तरफ ठंड से परेशान हैं तो दूसरी तरफ फसलों के लिए ठंड काफी फायदेमंद मानी जा रही है, ऐसे में हरियाणा में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि किसानों के लिए खुशी की खबर है तो वहीं लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब यह ठंड बनती जा रही है। देखिए, जब भी ठंड पड़ती है कहीं ना कहीं आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिसंबर का महीना है, जाहिर सी बात है जब पहाड़ी क्षेत्र में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है तो मैदानी क्षेत्र में उसका असर जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो है दिन और रात का समय जो है एक जैसा जो है दिखाया, आप देख सकते हैं कि रोहतक के हालात ये है कि जिस तरह से रात को ठंड पड़ रही है उसी तरह पर जो है दिन में भी ऐसे ही ठंड पड़ रही है, और लोग जो है ठंड से बचने के लिए जो है अपने पूरे शरीर को ऊनी वस्त्रों से ढककर ही बाहर निकलते हैं। आप देख सकते हैं कि स्कूटी चालक मेरे सामने जो आ रहे हैं, इसके शरीर पर पूरी तरह से ऊनी कपड़े हैं क्योंकि ठंड इतनी जबरदस्त है यहाँ पर, लोगों की कंपनी जो है कंपनी छुटी हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये हार्ड आने वाली सर्दी से लोग बचने के लिए जो है पूरी तरह से ऊनी वस्त्र पहनते नजर आ रहे हैं। इधर मैं आपने दिखाऊं तो एक जो है थैला जो है चाय का वो लगा हुआ है, जो कि जो ठंड से बचने के लिए लोग चाय पीते जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ताकि एक जो है थोड़ी बहुत राहत जो है मिल सके चाय से। और ऐसे में कहीं ना कहीं आपने जो बताया कि जो है ये ठंड कहीं ना कहीं किसानों के लिए काफी फायदेमंद है, आम लोगों को तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसानों को जो है ये फायदेमंद इसलिए है क्योंकि उनकी गेहूं की फसल जो है दिसंबर के महीने में जो है वो अच्छी होती है, और जो ये धुंध पड़ती है जिससे जो धुंध की जो ड्रॉप जो है वो सीधी उसके गेहूं के तने में जाती है, जिससे
बीमारी भी खत्म होती है और एक अच्छी पैदावार होती है, जिससे लोगों में काफी जो है उत्साह जो है किसानों में वो देखने को मिलता है कि जब भी धुंध पड़ती है तो उनकी गेहूं की फसल की अच्छी पैदावार हर साल जो है देखने को मिलती है। इसलिए किसान ये कहते हैं कि उनकी लागत कम आएगी क्योंकि उनको ट्यूबवेल चलाना नहीं पड़ेगा और पानी की जो पूर्ति है वो दूर होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ठंड से जो है लोगों का तो बुरा हाल है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे जो है वो साफ तौर पर खिलते दिखाई दे रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा मेरे पीछे, बिल्कुल संजय देखिए, और तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फिलहाल जो है वो ठंड से राहत लोगों को कहीं दूर दूर तक मिलती नजर नहीं आ रही है। नवीन भी हमारे साथ लगातार देहरादून से बने हुए, नवीन आपसे भी जानना चाहेंगे, मैदानी इलाकों में तो लगातार ठंड का प्रकोप जारी है, पहाड़ी इलाकों में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? देखा जाए तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग अपनी जो भविष्यवाणी है उसे करता हुआ नजर आता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 7 तारीख तक जो उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां पर अभी न बर्फबारी और न बारिश न होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही आने वाले जो है वो वहां पर बर्फबारी की संभावना है, लेकिन अभी 7 तारीख तक जो अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि जो मौसम है वह साफ रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैदानी क्षेत्र है उत्तराखंड के, जो मैदानी क्षेत्र है चाहे हरिद्वार की बात की जाए, उधम सिंह नगर की बात की जाए, हल्द्वानी की बात की जाए, वहां पर जो कोहरा है वह जरूर छाया हुआ है और आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह होते ही जो लोग हैं अब अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ठंड का सामना भी करना पड़ रहा है। शीतलहर जो कोहरा है वो लगातार घना कोहरा छाते हुए नजर आया। अगर हल्द्वानी की तस्वीरें हम सुबह जिस तरीके से देख रहे थे कि वहां पर घना कोहरा था, तो अभी अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने आने वाली 7 तारीख तक जो है मौसम साफ बताया है कि उत्तराखंड में जो मौसम रहेगा वो साफ रहेगा, लेकिन कहीं कहीं जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर कोहरा छाने की संभावना है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि राजधानी देहरादून में जो मौसम है वह पूरी तरीके से साफ है, धूप खिली हुई है, आम जनता आम पब्लिक को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले समय में अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो मौसम विभाग ने यह जारी किया है कि आने वाले समय में जो पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहां पर हल्की फुल्की जो बर्फबारी है और बारिश की संभावना जताई है। साथ ही बताना चाहूंगा क्योंकि जो मौसम विभाग है अपने समय समय पर एडवाइजरी जारी करता है और साथ ही मौसम विभाग ने अब 7 तारीख तक मौसम साफ रहने की जो है एडवाइजरी जारी की है। बिल्कुल नवीन, और देखिए एक तरफ जहां मैदानी इलाकों में कोहरे का प्रकोप जारी है तो पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर धीमी धूप देखने को मिल रही है। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, दिल्ली से स्पर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहतक से संजय हमारे साथ लगातार बने हुए और देहरादून से नवीन हमारे साथ जुड़े हुए। स्पर्श, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, मौसम विभाग ने भी ये साफ तौर पर कर दिया है कि अब आगे आने वाले दिनों में भी ठिठुरन और बढ़ सकती है, ऐसे में अगर बात की जाए तो वो लोग जो बेसहारा है उनके लिए किस तरीके से प्रशासन जो है कदम उठा रहा है, रैन बसेरों में किस तरीके की व्यवस्था की गई है? देखिए बिल्कुल आने वाले समय में ठंड और पड़ती हुई जो है नजर आएगी, ये 2 दिन का प्रेडिक्शन मौसम विभाग का है। ठंड के साथ साथ कोहरा भी देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, ऐसे में प्रशासन भी जो है कदम उठाता हुआ जो है नजर आता है। अस्पतालों में जो प्रबंध है वो पुख्ता जो है किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो रैन बसेरे हैं उनमें भी जो है पूरी तरीके से प्रबंध जो है किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर आता है तो उसे पूरी तरीके से ठंड से जो बचाव है वो उसका जो है देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आए। और उसके साथ साथ मौसम विभाग भी खुद जो है कुछ अलर्ट बीच बीच में जारी करता रहता है कि मसलन जब ज़्यादा ठंड पड़ती हुई नजर आएगी तो किस तरीके के एहतियातन कदम जो है वो जनता को जो उठाने चाहिए, क्योंकि ठंड के साथ साथ दिल्ली में खासतौर पर बात करते हैं आउटस्कर्ट्स की तो जो कोहरा है वो लगातार देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है और उसमें जो है वाहन स्लो चलाएं ये जो है जो अलर्ट वो जारी किया जाता है। उसके साथ साथ ब्लिंकर्स यानी लाइट्स का जो पूरा उपयोग है वो ढंग से जो है किया जाए, ये जो है चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की जाती है। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरफ से जो है अलर्ट जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है और दूसरी तरफ लोग भी कहीं ना कहीं अलर्ट पर है, जहां पर लोग पूरी तरीके से खुद को कवर करके बाहर आते हुए जो है नजर आते हैं। और उसके साथ साथ जो लोग रैन बसेरे तक नहीं पहुंचते हुए नजर आते हैं वो अलाव जगह जलाकर जो है जगह जगह जो है इस तरीके से ठंड से बचते हुए जो है नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और शिमला से ब्यूरो हेड विकास शर्मा भी हमारे साथ जुड़े। विकास, आपसे भी जानना चाहेंगे, एक तरफ मैदानी इलाकों में लगातार ठंड का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है, शिमला में फिलहाल किस तरीके के हालात बने हुए हैं? देखिए शिमला में बिल्कुल उलट, ऐसे मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से मैदानी इलाकों में सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते
वहीं चटक धूप के साथ जो है पहाड़ों पर पूरी तरह से रौनक है और तापमान में जो है वो जिस तरह से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, मौसम विभाग ये कह रहा है कि इस तरह का तापमान पिछले कई दशकों में इस तरह का तापमान पहाड़ों पर इस मौसम में नहीं रहा। जनवरी का ये महीना चल रहा है, ऐसे में बर्फ जो है वो अभी तक उसके दीदार यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं। पर्यटकों में, सैलानियों में जो है वो मायूसी छाई हुई है और इसी बात को लेकर कि आखिरकार कब ये बर्फबारी जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिले। और बर्फबारी जो है वो अहम रोल रहता है। देखिए, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो बर्फबारी को खुशहाली के साथ जोड़कर भी देखते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर समय से बर्फबारी हिमाचल में हो, पहाड़ों पर अगर समय से बर्फबारी होती है, तो एक तरफ जहां बीमारियां जो है उनसे निजात मिलती है, खुश्क ठंड से निजात मिलती है, वहीं दूसरी तरफ जो सेब की फसल होती है उसके लिए ये एक वरदान रहती है अगर समय से बर्फबारी जो है वो पहाड़ों पर होती है। तो ऐसे में कई तरह की धारणाएं हैं, कई तरह के सवाल हैं जो पीछे छूट जाते हैं, लेकिन मौसम फिलहाल जो हिमाचल प्रदेश का है, जो अगर हम मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें, तो पूरी तरह से चटक धूप जो है वो यहाँ पर खिली हुई है। मैदानी इलाकों में 5 दिन के लिए मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि 5 जिलों के लिए जो है वो यहाँ पर फॉग, डेंस फॉग जो है वो यहाँ पर रहेगी, कोहरा जो है वो पूरी तरह से घना कोहरा यहाँ पर छाया रह सकता है। तो ऐसे में विजिबिलिटी जो है उसके ऊपर खासा असर देखने के लिए मिल सकता है। मध्यवर्ती इलाकों में फिलहाल अभी कोई पश्चिमी विक्षोभ जो है वो हिमाचल प्रदेश में सक्रिय नहीं हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने यह जरूर कहा है कि 8 तारीख से आने वाली जो 8 तारीख होगी, 8 जनवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा, जिसका असर यहां पर देखने के लिए मिल सकता है और उसकी वजह से मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में जो है वो हल्की बर्फबारी जरूर हो सकती है। अभी तक बर्फबारी ना के बराबर हुई है, बर्फबारी ना होने से जो तापमान है उसमें भी सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक तापमान जो है वो सामान्य से अधिक चल रहे हैं। लिहाजा सर्द मौसम जरूर है, सुबह शाम की ठीक ठंड है यहाँ पर, और कई कई ऐसी जगहें हैं जहां पर माइनस में भी तापमान जो है वो चला जाता है। और बहुत से ऐसे जिले हैं, जिस तरह से अगर चंबा के इलाकों की हम बात करें, कुल्लू मनाली के इलाकों की अगर हम बात करें, या फिर लाहौल स्पीति और किन्नौर के इलाकों की बात करें, तो ये तमाम जो जिले हैं मंडी के ऊंचाई वाले इलाके हैं, यहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर होने से कहीं ना कहीं पानी जो है वो भी जमना कुछ एक जगहों पर शुरू हो गया है। लेकिन जो मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाके हैं, जिनमें शिमला जो है मध्यवर्ती इलाकों में आता है, तो यहाँ पर चटक धूप के साथ पूरी तरह से सुहावना मौसम जो है वो जरूर यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन अभी भी मायूसी इसी बात को लेकर है कि आखिरकार बर्फबारी यहाँ पर कब होगी। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर के पहाड़ी इलाकों में जहाँ सैलानियों को और आम जनता को इंतजार है कि बर्फबारी कब हो, मैदानी इलाकों में लोग सूर्यदेव के दर्शन के इंतजार में हैं। संजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, लगातार बढ़ती ठंड के साथ कोहरा भी बढ़ रहा है, ऐसे में विजिबिलिटी कम हो चुकी है, क्या कुछ कदम प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं कि कोई सड़क हादसा ना हो या विजिबिलिटी कम होने के चलते किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके? बिल्कुल जागृति, देखिए ये हार्ड कपाने वाली जो सर्दी है, इससे बचने के लिए प्रशासन जो है पहले ही अलर्ट हो जाता है, क्योंकि नवंबर के महीने में जो है प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग शुरू हो जाती है सरकार के साथ, और सरकार जो है सख्त निर्देश देती है, क्योंकि हरियाणा के जो कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है। जैसे हिसार की मैं बात करूं, तो पहले ही जो है नवंबर के महीने में ही पहले ही जो है हिसार में जो है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मीटिंग शुरू हो गई थी और सख्त निर्देश दे दिए गए थे कि अब जो आम लोग हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट हो, और धुंध को लेकर भी कहीं ना कहीं मीटिंगों का दौर जो है जारी था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक के जो इंचार्ज हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए गए थे कि जो है ट्रैफिक नियमों को पालन करने के लिए जो है लोगों को जागरूक किया जाए, और लोगों को जागरूक किया भी जा रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है ट्रैफिक नियमों का पालन लोग करें, और धुंध को देखते हुए रिफ्लेक्टर जो है गाड़ियों पर लगाए जा रहे थे, और फॉग लाइट लगाने के जो है सख्त निर्देश दिए गए थे, ताकि दूसरे वाहन को जो है दिखाई दे जाए कि सामने से वाहन आ रहा है और कोई हादसा ना हो। ऐसे में जो है इक्का दुक्का ही जो है अब हादसा देखने को मिला है, क्योंकि इससे पहले जो है पहली धुंध पड़ी थी तो पहली धुंध में ही जो है इक्का दुक्का जो है ऐसे जो हादसे दिखाई दिए थे, ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें कुछ लोग जो है घायल हुए थे, लेकिन अभी तक ऐसी घटनाएं नहीं हुई है जिससे कि जो है धुंध के कारण लोगों को कोई खामियाजा भुगतना पड़े। लेकिन साथ ही साथ में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो है जागरूकता के कारण जो है लोग भी अलर्ट हो गए हैं, और साफ तौर पर जब भी जो घर से जरूरी काम होता है तभी वो घर से बाहर निकलते हैं, अन्यथा अपने घरों में ही डूबके रहते हैं। मजबूरी होती है, परिवार का पालन पोषण गुजार बसर करना होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अपने गंतव्य पर जाना पड़ता है तो अपने शरीर को पूरी तरह से ढककर ही निकलते हैं। रही बात तो प्रशासनिक नगर निगम की, तो नगर निगम जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने 3 स्थायी रैन बसेरे जो है रोहतक शहर में बनाए हुए हैं, और जो है हरियाणा की बात करें तो उनको भी जो है सख्त निर्देश दिए गए हैं, हर जगह बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास जो है रैन बसेरे बनाए गए, ताकि जो अपने गंतव्य पर जो जाने वाले यात्री हैं। बिल्कुल, यानी कि बढ़ती ठंड को लेकर के जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड में है।
बिल्कुल, चलिए संचय लौटेंगे आपके पास। नवीन आपसे भी जानना चाहेंगे, उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ एक पर्यटन नगरी भी, और ऐसे में लोगों को इस बात की उम्मीद भी रहती है कि जल्द से जल्द बर्फबारी हो ताकि जो सैलानी है, जो पर्यटक हैं, वो उत्तराखंड पहुंचे। और ऐसे में अब किस तरीके से जो है आगे आने वाले दिनों में मौसम रहेगा, क्योंकि जिससे व्यापार, उत्तराखंड का जो व्यापार है या पर्यटन है वो फले फूले। जी जागृत, निश्चित तौर पर आपने सही बात कही है कि उत्तराखंड एक पर्यटन क्षेत्र है, कहीं ना कहीं तीर्थाटन और पर्यटन दोनों से जोड़कर देखा जाता है। और अगर बर्फबारी की बात की जाए तो काफी लंबा इंतजार करने को मिल रहा है जो स्थानीय व्यापारी हैं, चाहे मसूरी की बात की जाए, धनावटी की बात की जाए या फिर नैनीताल की बात की जाए। बर्फबारी होते ही कहीं ना कहीं जो सैलानियों का जो जनसैलाब है वह उत्तराखंड की तरफ रुख करता है, लेकिन अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो स्थानीय व्यापारी हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनमें भी रोष है कहीं ना कहीं। और ये उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जल्द से जल्द बर्फबारी होती है तो जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड की तरफ रुख करेंगे। लेकिन अभी मौसम विभाग ने 7 तारीख तक के लिए जो एडवाइजरी जारी की है कि मौसम जो है पूरी तरीके से साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी। लेकिन जो अगर स्थानीय रोजगार की बात की जाए तो एक पर्यटन का बहुत बड़ा पर्यटन के माध्यम से रोजगार मिलने का सबसे बड़ा साधन चाहे बर्फबारी हो या फिर टूरिज्म हो, और बर्फबारी अगर होती है तो जो चलिए बिल्कुल नवीन, और कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले दिनों में जो मौसम है वो मौसम विभाग के द्वारा चेताया गया है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी भी देखने को मिलेगी, बारिश भी, और ऐसे में जो सैलानी है वो भी उत्तराखंड का रुख करते नजर आएंगे। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है, एक तरफ लोग जहां अलाव से सहारा लेते नजर आ रहे हैं तो वही यातायात में भी लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।